अरे बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो, तुझे कितना समझाऊंगा। पापा, इतनी जल्दी भी कोई शादी करता है क्या? मैं अभी शादी करके अपना लाइफ खराब नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं शादी करके अपना लाइफ खराब कर चुका हूँ क्या? अरे पापा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप तो पहले जमाने के थे ना। शादी करूँगा लेकिन अभी नहीं पापा, कुछ दिन बाद। तुझे समझाना बेकार है, मैं कुछ कह रहा हूँ इसका कोई कारण है, समय होता है सब चीज़ का बेटा, शादी कर लो, पैसे को तो कमी नहीं है, बिजनेस है हमारा, फिर किस बात का टेंशन। अरे अंकल कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल सही समय पे आए हो, इसे थोड़ा शादी का मतलब बता दो बेटा, ये शादी करना नहीं चाह रहा। ठीक है अंकल, मैं बिल्कुल बताऊंगा और आपके सामने बड़े अच्छे से समझाऊंगा शादी का मतलब क्या होता है, उसका सफर कितना मजेदार है। तुम समझा दो बेटा, हो सकता है तुम इनके दोस्त हो, तुम्हारे बातों को इसे समझ में आ जाए। ठीक है अंकल, मैं इसे समझा देता हूँ। देखो पंकज, शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ शेरों का शिकार हिरने करती है। अब मैं तुम्हें पंकज शादी का सफर सुनाता हूँ, अजी सुनते हो तक से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफर है, और सुनाओ सुनो दोस्त। अरे ये क्या कर रहे हो अंकल, बीच में मत टोकिए, हम आपसे वादा करते हैं हम पूरी कहानी सुनाने के बाद ये जरूर शादी करने को राजी हो जाएगा। शादी का मतलब होता है तेरे जैसे कोई नहीं तक से लेकर तेरे जैसा बहुत देखे हैं तक का सफर है शादी। शादी का सफर का मतलब होता है आप रहने दीजिए तक से लेकर आप तो रहने ही दो तक का सफर होता है। वाओ कितना मजेदार सफर है, और सुनो ना दोस्त। और सुनाओ दोस्त शादी का सफर, तो सुनो कहाँ गए थे जान से लेकर मर गए थे तक का सफर। शादी का सफर होता है तुम मुझे किस्मत से मिले हो तक से लेकर मेरी किस्मत फूटी थी जो तुमसे शादी हुआ। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर की तरह खूबसूरत होती है पर आतंक बहुत है। अरे मैंने तुझे बुलाया था कि मेरे बेटे को समझाने, तुमने तो शादी का ऐसे ऐसे अर्थ बताए कि मेरा बेटा जिंदगी भर शादी नहीं रहेगा, कुमारा ही मर जाएगा।